हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। एक्सेस में आज खास बात क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। अब इनमें कुछ नाम रेपिटेटिव भी है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं रवि नाम कितनी बार आया, ये एक बार आया, ये दो बार आया और ये फिर तीन बार आया। तो तीन जगह रवि नाम आया हुआ है, और भी जगह ये हो सकता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर रवि नाम का नाम है उसके जगह हम इस टेबल में डिलीट किए। अब देखिए, डिलीट करना मतलब यहां से हटा करके फिर कोई दूसरा नाम लिखना। हम चाहते हैं इसमें अपडेट कर दें, यानी हम अपडेट क्वेरी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस टेबल को क्लोज कर दीजिए। टेबल तो आपने देख ही लिया। यहां से जाएंगे क्रिएट पर, क्रिएट पे आ गए। क्रिएट पर आने के बाद आपको क्या करना है, क्वेरी डिजाइन पे जाना है, क्योंकि क्वेरी तो हम क्वेरी डिजाइन में ही जाके बनाते हैं। तो क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाएंगे तो ऊपर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले हमें सेलेक्ट क्वेरी बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सेलेक्ट क्वेरी बनाने का क्या मतलब है, ये जो टेबल हमने बनाई इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये टेबल यहां आ जाएगी। अब हम इसमें हमें दोनों फील्ड चाहिए, रोल नंबर चाहिए और नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। आपने देखा कि इस टेबल के अंदर रवि कितनी बार आया, एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पर रवि एक बार आया है, फिर यहां रवि दो बार आया है और रवि तीन बार आया है। अपडेट क्वेरी का यूज करके दिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। अभी क्या करना है, यहां पे आ जाना है, ठीक है। और यहां पर हमें क्या करना है, हमें क्राइटेरिया के अंदर सिंपली रवि जैसे लिखा हुआ है वहां पे ना, वैसे ही टाइप कर देना है। तो टाइप कर दिया हमने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बस यहां से क्या करना है, रन करवा देना है। तो रन करवाते ही यहां सिर्फ रवि के रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं नाम गलती से लिख गया, इसको अपडेट कर दिया जाए। यानी रवि का नाम क्लास नाइन्थ में रवि हुआ करता था, लेकिन इसका नाम अब सोनू हो गया है, ठीक है। यानी उसे अपडेट करना है। हमारे पास डेटा फिट है, हम चाहते हैं इसको अपडेट कर दिया जाए। इस नाम को अपडेट कर देंगे तो वही रवि का नाम हाई स्कूल में सोनू जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो यहां से जाएंगे क्रिएट पर, बल्कि यहां से चलेंगे कहां, ये आ गए वापिस डिजाइन पर, डिजाइन व्यू पर। तो ये रवि हमने यहां पे किया था। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कहां जाएंगे, अपडेट क्वेरी पे। तो ये अपडेट क्वेरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा अपडेट टू। हमें नाम को ही तो अपडेट करना है, रवि की जगह क्या करना है, सोनू कर देना है। तो सोनू यहां कर दिया। अब आपको सिंपली रन करवा देना है क्वेरी को। जैसे ही रन करवाए तो कह रहा है कि तीन रोज को आप अपेंड अपडेट करने जा रहे हैं, तो यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यस हो गया। अब जरा रिजल्ट देखेंगे, हमारी टेबल यही है ना, जरा देखिएगा, यही है टेबल, ठीक है। अब इसको एक बार सेव कर देता हूं, ये क्वेरी को सेव कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे जहां जहां रवि लिखा था वहां वहां क्या आ गया है, सोनू आ गया है, देख लीजिए। यही होता है अपडेट क्वेरी, ठीक है ना, ओके।